जा रहे हैं पूरे बंगाल टाइगर जयराम माता भी पहुँचे हैं और बोलान में था दादा अभी धनबाद में पहुँच गए। देखिए अभी शरीर मशीन की तरह हो गया है, आज फिर रात को कोल्हान रिटर्न जाएंगे, फिर एक दिन रांची में था, फिर कोल्हान, फिर ब्रह्मगढ़, फिर कोल्हान, यानी शरीर पूरा मशीन बना दिए। लेकिन चूंकि अपना मेरा जन्म क्षेत्र है धनबाद, यहाँ अगर नहीं आते तो भी एक सवाल खड़ा होता, तो यहाँ चूँकि सांस्कृतिक का उत्थान हो रहा है, संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो इसमें आना आवश्यक था। और साथ ही बोकारो में अभी मेरा आधा घंटे में जनसभा भी, हाँ जी सी आर में, तो किसान बेटो को कहा कि पर्व है का मतलब धान होता है, धान कोई टुसू कहा जाता है, और जो गायकी है उसको चोड़ल कहा जाता है, यानी जिसमें बेटी विदाई होती है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के धर्म है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना कैलेंडर है, लेकिन एक कैलेंडर कृषि का होता है। हालांकि कृषि लोग नहीं जानते हैं क्योंकि किसान का महत्व नहीं है, किसान का न्यूज नहीं बनता है, किसान की मौत दरकिनार की जाती है, कहीं ना कहीं हमारे बैठी जाता है। ये जो पर्व है कृषि कैलेंडर के मास में जो आपका पूस माह होता है, जो हमारा 13 माह मनाया जाता है, उसी में कहता है। और इससे पहले अघन संक्रांत होता है, अघन संक्रांत में क्या होता है कि जो किसान वर्ग से होता है वो सारा फसल धान को काट कर अपने खलिहान लेके आता है, खलिहान मरना कहते हैं, उसके बाद घर घुस आता है। देखिए एक व्यापारी के जीवन में खुशी तब आता है जब बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, एक मेसी को खुशी तब आया जब वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक उसी प्रकार किसान को खुशी तब मिलता है जब उसका जो धान घर घुस जाता है, नहीं तो वो तब तक वो खुश नहीं मनाता है। तो जब धान घर घुसता है तो उसी खुशी में, क्योंकि धान उसका बेटी स्वरूप इसलिए माना जाता है कि किसान ने परवरिश किया एक तरह से धान, तो जब धान उसके घर घुसता है तो किसान की जो इंसान रूपी बेटियां हैं वो धान रूपी बेटी का स्वागत करती है, खुशी मनी का नाम देकर उसे स्थापित करती है। और उसी दिन से एक महीने तक अच्छा पकवान किया जाता है, और फाइनली नियम भी है कि बेटी का विदाई भी होना चाहिए, तब फिर से एक महीना बाद चोड़ल यानी पालकी के माध्यम से बेटी यानी धान को उसमें रखकर और नल मसूरी मैंने जल में उसको विदाई दिया जाता है, भसान किया जाता है। और इसमें मान्यता ये है कि मैंने जल जो होता है, जो पानी, वह धान का ससुराल होता है, इसलिए होता है कि ससुराल का मतलब जहाँ बेटी बच्चे को जन्म देती है, तो धान अपने जन्म कब देगा धान में, जब उसमें पानी का स्रोत आएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो धान से नया धान नहीं जन्म देगा। ठीक उसी प्रकार धान में जन्म होने अंकुरण तभी होता है जब उसमें पानी की मात्रा आती है, इस हिसाब से पानी उसमें ससुराल हुआ, ठीक उसी प्रकार बेटी का विदाई होता है ससुराल के लिए। और ये भी मान्यता है कि बेटी तुम मेरा घर भरी, किसान बोलता है, आप अगर संसार में और भी कोई है तो उसे जल के माध्यम से भक्ति में चले जाओ और उसका भी भरण पोषण करो। तो ये बहुत सुंदर सांस्कृतिक पर्व है, ये किसानों का पर्व है, ये धान आधारित पर्व है, ये घंटों हमको लग रहा है बिगड़े कॉलेज से चल रहे हैं, बाकी यहाँ छात्र हम लोग रह चुके हैं, अब 4-5 साल बिताए हैं और यहाँ अनुभव है पैदल चलने का, और पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाते थे, तो पूरा झारखंड ही पैदल चला दिया। हाँ चलना तो पड़ेगा, झारखंड में जागरण की ओर बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को फिर से स्थापित कर रहा है, तो पैदल से चल रहा हूँ। ठीक है देव बाबू धन्यवाद। टाइगर जयराम माता जो कि हजारों की लाखों की संख्या में लोग इनके आगे जब भी आते हैं तो भीड़ आ जाती है।